हेलो फ्रेंड्स, डी आर डॉट आर के टॉक्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, पिछली बार अपन ने काल भैरव में पथरी कैसे बनती है इस बारे में जाना था। इस एपिसोड में अपन जानेंगे काल भैरव या बाइल डक्ट में जो पथरी होती है उनके क्या लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पिछली बार जाना था कि जो काल भैरव है उसमें से एक नली निकलती है जिसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं। वो हेपेटिक डक्ट के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, फिर पैंक्रियाटिक डक्ट के साथ ड्यूओडेनम में खुलती है। तो एक्चुअली जो पित्त की थैली में जो पथरी बनती है वो बाइल डक्ट में आ जाती है और उनके लक्षण करीब करीब एक जैसे ही आते हैं। जो पित्त की थैली में पथरी होती है उनकी और बाइल डक्ट में होती है उनकी। तो अक्सर देखा गया है कि 10 से 12% लोगों को जिनको गॉलब्लैडर में पथरी होती है उनको बाइल डक्ट में पथरी आ जाती है। तो आज सबसे पहले अपन जानेंगे कौन कौन पित्त की थैली से जो पथरी होती है उसमें रिस्क पे होते हैं, या यूँ कहें कि गॉलब्लैडर में जो पथरी होती है वो किन में ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले नंबर 1 पे है फीमेल, जो लेडीज हैं जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है उनको पथरी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फिर उसके बाद 40 साल से जिनकी उम्र कम है लेकिन जो गर्भ निरोधक गोलियाँ खा रही हैं उनको भी संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरी तरह की वो हैं जिनकी फैमिली में हिस्ट्री हो, 25% केसेज में जिनको फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है गॉलब्लैडर स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद में जो लोग हैं या तो जो मोटापे के शिकार हैं या मोटे हैं या जिनको शुगर की बीमारी है उनको भी पित्त की थैली में पथरी जल्दी बनती है। फिर उसके बाद में जो डाइटिंग पे हैं या फिर जिन्होंने गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी करवाई है मोटापे के लिए उन लोगों में स्टोन जल्दी बनते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत कॉमन दवाई होती है पीपीआई, जैसे ranitidine, famotidine, metoprolol, ओमेप्रोजोल, ऐसी तरह की जो दवाइयाँ लंबे टाइम तक खाते हैं उनको भी पथरी होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स से डेफिशिएंट हो, जिनमें कैल्शियम की कमी हो, फोलेट की, विटामिन सी की, मैग्नीशियम की, तो उनको भी पथरी ज़्यादा बनती है। फिर उसके बाद में लिवर डिजीज या हीमोलिटिक एनीमिया है, जैसे सिरोसिस लिवर है तो उन लोगों में पथरी ज़्यादा बनती है। और एक तरह के लोग अपन ने जाना था जिनको गेहूं से एलर्जी है जिसको ग्लूटेन एलर्जी कहते हैं, उन लोगों में भी स्टोन ज़्यादा बनते हैं। अपन अब जानते हैं कि क्या लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेज है अपन उसको 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 पे लिथोजेनिक स्टेट, मतलब पथरी बनी नहीं है लेकिन पित्त की थैली में कचरा हो गया है, तो लिथोजेनिक स्टेट है। नंबर 2 पे इनको एसिम्प्टोमेटिक है, लक्षण कुछ नहीं है, जैसे बाई चांस और किसी बात के लिए सोनोग्राफी करवाई और स्टोन का पता लग गया। फिर उसके बाद में 3रे नंबर पे है जो सिम्प्टोमेटिक है, जिनमें लक्षण मौजूद है, और 4थे नंबर के हैं उनमें जो कोई जटिलता आ गई है। तो सबसे पहले जो लिथोजेनिक स्टेट में होते हैं उसमें कई बार कचरा सिस्टिक डक्ट में अटक जाता है और लक्षण पैदा कर देता है। फिर उसके बाद में जो लक्षण वाले हैं जिसको अपन कहते हैं बिलियरी कोलिक, तो बिलियरी कोलिक जो टिपिकल दर्द होता है वो पेट के ऊपरी हिस्से में रहता है और 1 से 5 घंटे तक रहता है, और उसके साथ में कभी कभी उल्टी या जी मिचलाना हो सकता है और पीठ की तरफ भी जा सकता है और कभी कभी दाएं कंधे में भी हो सकता है, और ज़्यादातर ये खुद ही सबसाइड हो जाता है। लेकिन जैसे बार बार उसको एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के अटैक होते हैं तो वो कभी कभी क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस में बदल जाता है या एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में चेंज हो जाता है। तो लक्षण वाले और कौन से मरीज होते हैं या जिनको परेशानी आती है वो कौन कौन से मरीज होते हैं। तो सबसे पहले जो मरीज होते हैं वो है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस, जैसे मान लो स्टोन अटक गया सिस्टिक डक्ट में और 5 घंटे तक उसका पेन रिलीफ नहीं होता है, तो उसमें बैक प्रेशर आ जाता है और गाल ब्लैडर फूल जाता है, और गाल ब्लैडर के अंदर अंदर कभी कभी मवाद बन जाती है, और मवाद होने से कभी कभी वो गाल ब्लैडर रपच्चर हो सकता है या फूट सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर केसेस में ये दवाइयों से ये स्टेज है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस की वो ठीक हो जाती है, लेकिन बार बार अगर एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के अटैक होते हैं तो फिर वो क्रॉनिक में चेंज हो जाता है या क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस हो जाती है। और क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस है वो 1% से कम केसों में कभी कभी कैंसर में बदल जाती है। फिर मान लो पित्त की जो नली है जिसको अपन बाइल डक्ट कह रहे हैं, बार बार बाइल डक्ट में स्टोन आ जाए तो क्या होगा। तो उसमें क्या है कि 4 तरह के एक तरह से लक्षण आ जाते हैं। सबसे पहले कोलिनजाइटिस, जो बाइल डक्ट है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाए।
फिर पेंक्रियाज में इन्फेक्शन हो जाए, फिर उसके बाद में जो स्टोन अटक गया तो फिर उसके बाद में उसको जॉन्डिस डेवलप हो जाती है या पीलिया डेवलप हो जाता है। तो अपन इसको कहते हैं जैसे पेंक्रियाटाइटिस हो गई या फिर कोलेंजाइटिस हो गई। तो कोलेंजाइटिस में क्या होगा, दर्द तो होगा ही, साथ में उसको बुखार हो सकता है और पीलिया आ सकता है। और जो मान लो पेंक्रियाटाइटिस हो गई तो उसमें लक्षण बदल जाते हैं, वो दर्द पीठ के बीच में होता है पेंक्रियाटाइटिस और पीठ की तरफ रहता है और दर्द बहुत तेज होता है और उल्टी वगैरह और पसीना आना, अब बहुत ज़्यादा दर्द होना, ऐसी परेशानी उसको आ सकती है। और कभी कभी ये जो स्टोन है, कभी कभी ये फिशुला इंटेस्टाइन में बना लेता है, जिसको अपन गाल स्टोन आइलिस कहते हैं। तो आज ऐसे करके अपन ने जो पित्त की थैली में या पित्त की नली में होने वाली पथरियों के बारे में जाना है, अगली बार अपन उसके इलाज की और मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। इसलिए अगला एपिसोड आप देखें कि इसकी जो पथरी है, ये सिम्पटोमेटिक पथरी है, उनका क्या होगा, या जिनमें जैसे पता तो लग गया पथरी का लेकिन लक्षण नहीं है, तो उनका क्या होगा, ये बात अपन अगले एपिसोड में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।